अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको ड्रामा सीरियल तेरे बिन के आने वाले नेक्स्ट एपिसोड के बारे में बताऊंगी, जिसमें उनका नौकर आकर मुर्तसिम की मां को बताता है कि खान जी ने मीरब बीबी के लिए बाहर खाने का इंतज़ाम किया है, मीरब बीबी के लिए सरप्राइज़ तैयार किया है। जिस पर मुर्तसिम की मां कहती है कि अच्छा ठीक है, तुम ऐसा करो, बाहर जा के देखो, उनको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं और किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। और आज के एपिसोड में मीरब और मुर्तसिम रोमांटिक डिनर करेंगे। मुर्तसिम मीरब को कहेगा मुझे अपने हाथों से खिलाओ, जिस पे मीरब पहले मुस्कराएगी फिर उसे खाना खिलाने लगेगी, जिस पे मुर्तसिम हैरान और खुश हो जाएगा। मीरब उसे खिलाने के बजाय उसके नाक पे लगा देगी और फिर भागने की कोशिश करेगी, पर उससे पहले मुर्तसिम उसका हाथ पकड़ लेगा, जिससे मीरब उसकी बाहों में गिर जाएगी। फिर मुर्तसिम के पास मीरब का बाप आएगा और कहता है कि लगता है तुम्हारे सर पर कुछ ज़्यादा ही गहरी चोट आई है, उससे तुम भूल गए हो कि मैं कौन हूँ। जिस पर मुर्तसिम कहता है कि दोस्त हैं आप मेरे बड़े हैं। जिस पे मीरब का बाप कहता है कि इसलिए अपने बड़ों को धक्के मार रहे थे। जिस पे मुर्तसिम कहता है कि मुझे लगा आप तो खुश होंगे कि आपकी बेटी के लिए मैंने किसी के सामने खड़ा हो सकता हूँ, तो फिर चाहे फिर उसका बाप ही क्यों ना हो। जिस पर मीरब का बाप मुर्तसिम को देखता ही रह जाता है। दूसरी तरफ मुर्तसिम की माँ हया के कमरे में आती है और कहती है कि क्या चाह रही हो कि मैं तुम्हारे लिए चाय का कप बना के लाऊं और मीठी मीठी बातें करूं और मीठी नींद से उठाऊं। और आगे बढ़कर हया के ऊपर से कंबल उठाती है और कहती है कि चलो उठो, बहुत देर हो गई है। जिससे ही वो कंबल उठाती है और देखती है कि बिस्तर तो खाली है, जिस पर वो परेशान हो जाती है और कहती है हया ये क्या किया। और दूसरी तरफ मीरब की माँ उसे लेने आती है, जिस पर मीरब कहती है कि जो भी है जैसा भी है, अब मुर्तसिम के साथ मेरा एक रिश्ता है, आप लोगों के साथ मैं किस हैसियत से जाऊँ के रिश्ते और किस रिश्ते से जाऊँ। जिस पर उसकी माँ कहती है कि बेटी हो तुम हमारी। जिस पर मीरब कहती है कि कह देने से बेटी नहीं बन जाती। जिस पर मीरब के माँ बाप उसे दुख से देखते हैं। जी तो आने वाले नेक्स्ट एपिसोड के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और बेल आइकन को क्लिक